दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड हब नियर रेड लाइट चौक पानीपत, को स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिस बाबुल के घर से 10 दिसंबर को बेटी की डोली उठनी थी, कोरोना संक्रमण ने एकाएक उस साए को ही अपना ग्रास बना लिया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बेटी ने मां के माथे का सिंदूर पोछा, कलाइयों से चूड़ियां भी उतारी, मां को सांत्वना देते हुए बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि भी दी। मूल रूप से पटना बिहार के निवासी 50 वर्षीय बैंक मैनेजर अपनी पत्नी और इकलौती बेटी के साथ सेक्टर 12 में रहते थे। बेटी किसी दूसरे शहर में रहकर BDS का कोर्स कर रही है, फिलहाल घर आई हुई है। बैंककर्मी को बुखार और सांस में तकलीफ के कारण 21 नवंबर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 26 नवंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी दिन रात्रि करीब 11:55 पर मरीज की मौत हो गई। नगर निगम और जनसेवा दल की टीम ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। इकलौती बेटी ने मुखाग्नि दी। बैंक को भी 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। इसके अलावा COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अमर भवन चौक निवासी 55 वर्षीय सेक्टर 18 वासी बुजुर्ग का भी अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि विभाग ने कोरोना से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। वहीं सेक्टर 12 के वासी बैंककर्मी की मौत के अलावा शुक्रवार को 46 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने पर 29 को डिस्चार्ज भी किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 758 सैंपल लिए गए हैं। जिले में कुल पॉजिटिव 9,249 केसों में से 541 एक्टिव केस हैं। 6 मरीज अभी भी लापता हैं। अभी तक 125 की मौत हो चुकी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।